स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि अनावश्यक रूप से जो विपक्षी दल जो है इसको इस तरह का तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि बहुत एक जो समय की ज़रूरत थी इसके सारी चीज़ के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई प्रभाव इस प्रकार से बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि काला धन रोकना है और ख़ास तौर से इस दिशा में भी ये कारगर साबित होगा ये निर्णय। और इसको नोटबंदी नहीं कहा जा सकता है, और सिर्फ इतना ही है कि वो जो 2000 रुपये का नोट जो है वो अब प्रचलन में नहीं रहेगा और ना ही वो ट्रेजरी में और दूसरी जगह जो है वो इसमें नहीं रहेगा, इस तरह से इतनी ही बात है। और ख़ास तौर से उसके कारण जो एक निर्णय लेने के बाद जो विपक्ष के लोग जो जिस तरह से प्रचार करने की कोशिश करें, मुझे लगता है वो अनावश्यक है। सर सितंबर तक जो कह रहा हूँ कि ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया में किसी के पास अगर 2000 रुपये का नोट है उसको वापस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और वैसे भी उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि 20,000 तक एक्सचेंज जो है वो एक दिन के अंदर कर सकते हैं, वो भी एक व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से, उसकी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।